हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर ग्रामर्स वेरी फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम योर न्यू फ्रेश वे बुक, दैट इज नाउंस. लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ नाउन. व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी. नाउन होता है जो वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी आइडिया का या किसी की क्वालिटी का नाम बताता है. फॉर एग्जांपल, गर्ल, बॉय, सिटी, डेविड, ट्रुथ, गॉड, ऑनेस्टी, टेबल, ऑल दीज आर कॉल्ड नाउन्स. लेट्स हैव अ लुक ऑन सम अदर नाउन्स. We have a picture. Look at this picture. Here, Ram. Ram is a name of a person. That is noun. Bedroom, ball, cow. All these are also called nouns. We have some other four categories of nouns: person, place, animal, thing. Man, and girl, Steve, child, grandma, grandpa. All these are the names of persons. These are called persons. And place is Paris, city, school, home, Asia, space, kitchen. All these are the names of place. Animal, dog, cat, whale, lion, bee, bull, lizard. All these are the names of animals. And here we have the names of things: book, pencil, apple, flower, disease, shoe, cap. These are called things. Students, always keep remember that noun is a naming word. अगर हमें इजी वर्ड्स में नाउन का डेफिनेशन करना है तो हम क्या कहेंगे कि नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी चीज़ का नाम होता है. ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, किसी चीज़ का नाम जब हम लेते हैं उसको नाउन बोलते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ नाउन्स. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई एम गोइंग टू रिपीट द टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. टुडे वी विल कम टू नो अबाउट आर वेरी फर्स्ट टू नाउन्स. दीज आर प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. किसी भी स्पेशल, खास व्यक्ति या जगह के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. एंड व्हाट इज कॉमन नाउन? जब हम किसी का भी जनरल नेम लेते हैं, किसी जगह का, किसी व्यक्ति का, किसी चीज का, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. Let's have a look on an example. We have books in a picture. Many books. ठीक है, जब हम books बोलेंगे that is common noun. लेकिन जब हम किसी एक special book की बात करेंगे, like you can see in the picture, New Grammar Tree book का name है, that is proper noun. तो कॉमन नाउन क्या हो गया? बुक्स हो गया. लेकिन उन्हीं बुक्स में से किसी एक बुक की बात करेंगे तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. वी हैव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ नाउन्स: पर्सन, पर्सन इज अ कॉमन नाउन. सचिन, सचिन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. बुक इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. न्यू ग्रामर बुक हो गई प्रॉपर नाउन. स्विमर, इट इज़ अ कॉमन नाउन. लेकिन जब हम उसी किसी स्पेशल स्विमर का नाम लेंगे वो क्या हो गया? माइकल फैप्स. प्रॉपर नाउन. कंट्री, हमने किसी भी कंट्री की बात कर दी
तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब हम किसी स्पेशल कंट्री की बात कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, देन इट इज प्रॉपर नाउन। सॉरी, हियर वी हैव सम अदर एग्जांपल्स। प्रॉपर नाउन्स आर रिटन इन ग्रीन कलर एंड कॉमन नाउन्स आर इन ऑरेंज कलर। निहीर हैज अ बिग बैग। निहीर क्या है बेटा? नाम है एक लड़के का, दैट इज प्रॉपर नाउन, एंड बैग इज कॉमन नाउन। पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस है जो फ्रांस की कैपिटल है। देन पेरिस इज अ प्रॉपर नाउन एंड फ्रांस ऑल्सो इज अ प्रॉपर नाउन। अ डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। हियर यू कैन सी डॉग, मैन, फ्रेंड, ऑल दीज आर प्रॉपर कॉमन नाउन्स, क्योंकि इनमें किसी का भी कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, ना डॉग का, ना मैन का, ना फ्रेंड का, तो ये क्या हो गए? कॉमन नाउन। अरुण लाइक्स टू ट्रैवल बाय ट्रेन। अरुण क्या है? अब एक लड़के का नाम है, ठीक है, एक खास लड़के की बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। और ट्रेन क्या हो गया? ट्रेन का हम किसी का नाम नहीं ले रहे, तो ट्रेन क्या हो गई? कॉमन नाउन। अगर हम नाम लेते के इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, देन दैट विल बी द प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने एक स्पेशल ट्रेन का नाम ले दिया। बेटे अभी आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं, आपको इस एक्सरसाइज को देख के इनमें से नाउन्स अंडरलाइन करने हैं। 10 सेंटेंसेस हैं, इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपने अंडरलाइन करने हैं। यू विल यूज सी फॉर कॉमन नाउन एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन। इनके आंसर्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे बेटे। आई होप आपको ये दोनों टाइप्स नाउन्स के समझ आ गए होंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है बेटा, तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे इनका, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।